बहुत सुनने तुम्हारी बकवास, मेरी दी तुम्हारे हॉस्पिटल में काम करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे खरीदे हुए गुलाम है। वो एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर के पास उसका सभी पेशेंट एक जैसा होता है। डॉक्टर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। जब एक डॉक्टर एक व्हाइट कोट पहनती है तब वो कसम खाती है वो सारी जिंदगी सभी लोगों की सेवा करेगी। वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी धर्म की हो, सब उनके पास एक जैसा होगा। एक डॉक्टर की अहमियत एक माफिया का समझेगा। माफिया का काम होता है लोगों की जान लेना और एक डॉक्टर का काम होता है लोगों को बचाना। ये तुम्हारी और हमारी बीच का फर्क है। कल से मेरी दी इस हॉस्पिटल में नहीं आएगी। चल दी। जिमी प्लीज रुको, मेरी बात सुनो। इन सबके तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। भाभी माफी मांगने से कोई छुटा नहीं होता है। तुम सब तो कभी किसी को सॉरी नहीं बोलोगे ना किसी के सामने सर झुकाओगे, इसलिए मैं ही सॉरी बोल रही हूँ तुम सबके तरफ से। प्लीज माफ कर देना। आप सॉरी मत बोलिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है। नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जो किया एकदम सही किया। ऐसा अगर सभी डॉक्टर करेगी तो लोगों में अमीर गरीब की भेदभाव बंद हो जाएगी। मैं तो आई थी तुम्हारे पास चेकअप करने के लिए, पर यहाँ आके मैं तुम्हारी मुसीबत बन गई। नहीं ऐसा मत बोलिए, आप आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आप सब बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो वो सब आपके लिए लड़ रहे थे। हाँ और तुम्हारी बहन भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो वो तुम्हारे लिए लड़ रहे थे। हाँ क्योंकि मैं मेरी दी से बहुत प्यार करती हूँ। अगर उससे कोई बदतमीजी करेगा, उसे बातें सुनाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, वो माफिया हो या कोई आम इंसान। तुम दोनों बहुत प्यारी हो, आप भी बहुत क्यूट हो। सॉरी जिमी, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आगे से एक बात ध्यान रखना, किसी को कुछ बोलने से पहले उसका सिचुएशन को समझना। जिमीन मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलिए ना। तुम हॉस्पिटल छोड़ना मत, जैसे हॉस्पिटल आ रहे थे वैसे ही आना। हाँ जिमीन मैं भी तुमसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ प्लीज जो हुआ है भूल जाओ। जिमीन तेरी तरफ देखती है। क्या मेरी तरफ क्या देख रही है? ठीक है सब इतना बोल रहे हैं तो भूल जा, ये हम सब बड़े हैं, इनकी बात मानना चाहिए। ड्रामे बस कहीं का। मैम आप क्या प्रेग्नेंट हो इसलिए चेकअप पर नहीं हो? जीनू भाभी, अरे नहीं नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ओ एक्चुअली गायनो डिपार्टमेंट है इसलिए पूछा। ते तू क्या बेवकूफ है, सिर्फ प्रेग्नेंट रहा थी क्या यहाँ पे? सॉरी भूल गई थी मैं। जिमी तुम एक गायनोकोलॉजिस्ट हो? हाँ मैंने सोचा था तुम एक मेडिसिन का डॉक्टर हो। मैं भी मेडिसिन की डॉक्टर हूँ या गायनोकोलॉजिस्ट, इससे तुम्हें क्या? दी चल ना। हाँ जा रही हूँ, रुक जाओ। तुम मेरी भाभी को देखे बिना कहाँ जा रही हो? मेरी भाभी को देखे बिना तुम कहीं जा नहीं सकती। ए, आवाज नीचे रख के बात करो, ये हॉस्पिटल है तुम्हारा घर नहीं। यहाँ पे सब पेशेंट है, तुम्हारी तरह पागल नहीं है, सबको सुनाई देती है, धीरे बात करो।
हैं। जिमिन, तेरी पल्स रेट बहुत कम है, शायद वो सुबह से कुछ खा नहीं। ओह नो, मैं भूल कैसे गई? वो सुबह बिना खाए आई है। सुबिन, उसे मेरे केबिन में लेकर चलो। सुबिन तक उठा नहीं जाएगा, तभी जंगू उसे बाहर उठा लेता है। जो मेरी हार छो
खुशी का ख्याल रखेगा। ऐसा होगा मेरा राजकुमार। अगर वो माफिया मेरे सपनों में आया तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे धमकी देने की? कौन किसको धमकी दिया है? भैया किसने? नहीं भैया तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं भैया हम आपसे क्या छुपाएंगे? और रेली ते तो हॉस्पिटल में बेहोश क्यों हो गई थी? आपको किसने बोला? सुबिन ने बोला। ये सुबिन भी ना, ते और जिमिन एक दूसरे की तरफ देखती है। भैया सुबिन ने क्या आपको और कुछ बोला है? नहीं। क्यों और कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं तो पहले जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सुबिन को पता नहीं था। ते तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम दोनों ने खाना खा लिया है। सॉरी भैया अगर मैं सच बोलती तो आप भी खाना नहीं खाते। ते तुझे पता है ना तू भूखी रहती है तो तेरी सर चकराता है। जिमिन नहीं खाया है, मैं नहीं खाया हूँ तो क्या हुआ? तू खा लेती। तुझे पता है ना तुझे कुछ हो जाता तो हमारा क्या हाल होता? सुबिन ने जब मुझे ये बात बोला तब मेरा जान ही निकल गई थी। सॉरी भैया दोबारा ऐसा कभी मत करना। ठीक है भैया तुम दोनों फ्रेश होकर नीचे आओ, डिनर रेडी है। हाँ आती हूँ। जब चला जाता है। थैंक गॉड सुबिन ने कुछ नहीं बताया, वरना भैया कल से हमारा हॉस्पिटल जाना ही बंद कर देता। ऑफ कोर्स छोटे वाले से, जियोन जांकू जो इस देश का सबसे बड़ा माफिया है।